आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम के तकरीबन 6 बजे मैं जब नीलगढ़ गांव के बस स्टॉप पर उतरा तो मेरा मन जरा भी खुश नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि इस कारण से गांव आना पड़ेगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे दादाजी का फोन आया था। फोन पर उन्होंने बताया कि दादी जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये खबर सुनकर मुझे आज 20 सालों के बाद अपने गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक अरसे के बाद अपने गांव आया था, इसलिए रास्ता पहचानने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और क्योंकि गांव में यहाँ सिर्फ दादाजी और दादी माँ ही रहते थे, इसलिए बस स्टॉप पर कोई लेने भी नहीं आ सका। खैर, जैसे तैसे रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं अपने घर पहुंचा। लाश के पास दादाजी और आसपास के 2-4 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जिस इलाके में दादाजी का घर था वहां मुश्किल से आसपास 3 या 4 घर ही होंगे। शुरुआत में तो दादाजी ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो वो मुझे पहचान गए। लाश को आज के आज ही जलाना बेहद जरूरी था, क्योंकि लाश के अंदर से अभी से ही थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। गांव में ना तो बर्फ का जुगाड़ था और ना ही किसी और चीज का। ऊपर से अब कोई लाश को देखने वाला भी नहीं आने वाला था। वहां मौजूद सारे लोगों से जैसे ही मैंने इस वक्त लाश को शमशान ले जाने की बात कही तो सारे के सारे एकदम से पीछे हट गए। उनका कहना था कि आज अमावस की रात है और अमावस की रात शमशान में जाना ठीक नहीं होगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी शमशान जाने को राजी नहीं हुआ। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, अकेले लाश को शमशान कैसे ले जाऊं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जिसका जिक्र करते हुए मैंने वहां मौजूद लोगों से कहा, अच्छा आप लोग शमशान नहीं जा सकते ना, पर एक ठेला गाड़ी का तो इंतजाम कर सकते हैं। मेरे इतना कहने पर गांव वालों ने एक ठेले वाले को किसी तरह ज्यादा पैसों का लालच देकर शमशान जाने के लिए हाँ बुलवा दिया। ठेले वाला अपना ठेला लेकर दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। फिर मैंने और 2-4 लोगों ने मिलकर लाश को ठेले में चढ़ा दिया। लाश का चेहरा अभी भी कफन से ढका हुआ था, क्योंकि मैं एक ही बार शमशान में जाकर ही दादी जी का चेहरा देखने वाला था। लाश को ठेले पर चढ़ाने के बाद जो जगह बची वहां मैं बैठ गया और ठेला गाड़ी शमशान की तरफ चल पड़ी। ठेले वाला सामने की ओर बैठकर तेजी से पैंडल मार रहा था, जैसे उसे शमशान पहुंचने की जल्दी हो। जिस पर मैंने उस ठेले वाले से कहा, आराम से चलाओ यार, इतनी जल्दी क्या है। इस पर ठेले वाला बोला, साहब रात होने वाली है, जितना जल्दी शमशान जाकर वापस आ जाएंगे हमारे लिए उतना अच्छा है, आज अमावस की रात है ना। खैर, मैं इन सब तकियानुसी बातों पर विश्वास तो करता नहीं था, लिहाजा मैं चुपचाप ठेले पर ही बैठा रहा। मैंने अपने एक हाथ से लाश के कफन को पकड़कर रखा था, ताकि तेज हवा के चलते कफन उड़ ना जाए। ठेला गाड़ी गांव के उस कच्चे रास्ते पर पूरी रफ्तार से चल रही थी। रास्ता इस कदर खाली था कि अगर उस रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। दोनों बाजू जंगल और एक लंबा चौड़ा रास्ता। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे हमें कोई बूढ़ी औरत नजर आने लगी, जो कि हाथ दिखाकर ठेला गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। जिस पर मैंने ठेले वाले से कहा,
रुको रुको, ठेला रोको, शायद इन्हें कोई मदद की जरूरत है। हालांकि ठेले वाला ठेला रोकने को तैयार नहीं था, मगर मेरे जिद करने पर उसने ठेला रोका। ठेला रोकते ही वो बूढ़ी अम्मा जैसे तैसे ठेले में चढ़कर बैठी और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। मगर पता नहीं क्यों उस बुढ़िया का चेहरा मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा था, जैसे मैंने उसे पहले कभी देखा हो। तभी मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? इस पर बुढ़िया बोली, शमशान जा रही हूँ बेटा, तुम लोग वहीं जा रहे हो ना? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और पूछा, शमशान में इतनी रात गए आपको क्या काम है? इस पर बुढ़िया ने बात को ये कहकर टाल दिया कि कुछ काम है। मुझे भी लगा शायद होगा कोई काम, जिसके बाद मैंने भी और कुछ नहीं बोला। अभी मैं चुपचाप ठेले पर बैठा ही था कि तभी अचानक मेरी आंखों में कुछ चला गया। मैंने अपना आंख मीचने के लिए जैसे ही अपना एक हाथ लाश के सिर की तरफ कफन से हटाया तो वो कफन हवा में लहराने लगा। इससे पहले कि मैं कफन को ठीक से पकड़ता, उस बुढ़िया ने ही कफन को एकदम से धर दबोचा और दादी माँ का चेहरा दिखने नहीं दिया। तभी वो बुढ़िया मुझसे बोली, इसको ठीक से पकड़ो, हवा में उड़ जाएगा वरना। पहले उस बुढ़िया का चेहरा, अब आवाज, दोनों ही मुझे बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे। खैर कुछ ही देर में हम लोग शमशान पहुंच गए। नीलगढ़ गांव के शमशान में ये मेरा पहली बार आना हुआ था। तब रात के 9 या 9:30 बज रहे होंगे। मैंने और ठेले वाले ने मिलकर लाश को नीचे उतारा। तभी मैंने ठेले वाले से कहा, चलो भाई हाथ लगाओ थोड़ा, लाश को अंदर तक ले चलो। इस पर ठेले वाला बोला, देखो साहब मैं अंदर नहीं जाएगा, अपनी यहीं तक बात हुई थी शमशान जाने की, बस इसके अंदर मैं नहीं जाएगा। ठेले वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़ी उस बुढ़िया ने कहा, चलो बेटा मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ये नहीं जाएगा शमशान में। इससे पहले कि मैं उस बुढ़िया को कुछ बोलता, उसने झुककर लाश को एक तरफ से पकड़ लिया। मैं भी कुछ बोल नहीं पाया और लाश को दूसरी तरफ से पकड़कर शमशान के अंदर ले जाने लगा। शमशान पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था। दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई इंसान नहीं था। शमशान के अंदर जाकर हमने लाश को जमीन पर रखा और मैं उस बुढ़िया को लाश के पास रखकर लकड़ियां लाने चला गया। शमशान चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए लकड़ी खोजने में मुझे कुछ खासा दिक्कत नहीं हुई। लकड़ियां लेकर मैं वापस दादी माँ की लाश के पास आया। वो बुढ़िया अभी भी उसी तरह से लाश के पास ही खड़ी थी। खैर मैंने चिता सजाना शुरू किया। चिता सजाने के बाद अब सिर्फ लाश को जलाना ही बाकी रह गया था, इसलिए मैंने सोचा 20 सालों के बाद एक आखिरी बार दादी माँ का चेहरा देख लूं। ये सोचते हुए मैंने जैसे ही लाश के चेहरे पर से कफन हटाया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दादी माँ का चेहरा और मेरे बगल में खड़ी उस बुढ़िया का चेहरा एक ही था। मतलब ये कि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी माँ की आत्मा थी। तब जाकर मुझे समझ आया कि इनका चेहरा मुझे कहीं देखा देखा सा क्यों लग रहा था, और 20 सालों में मैं अपनी दादी माँ का चेहरा लगभग भूल चुका था, इसलिए मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैंने एक नज़र दादी माँ की आत्मा की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी माँ की आत्मा को देखकर पता नहीं क्यों उस वक्त जहाँ मुझे डर लगना चाहिए था, वहीं मेरी आंखों में
आंसू थे। किसी तरह से मैंने लाश का दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करते ही दादी माँ की आत्मा मेरी आंखों से ओझल हो गई। फिर मैं शमशान से बाहर निकला और सीधे घर चला गया। उस दिन के बाद से दादी माँ की आत्मा मुझे कभी नहीं दिखी। दादाजी अब मेरे साथ शहर में रहते हैं। आज उस घटना को 6 साल बीत चुके हैं, मगर अभी भी मुझे दादी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छे से याद है और शायद मैं अपने जीते जी उस चेहरे को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मेरी बस शाम के 4 बजे की थी, जिस कारण मैं फटाफट अपनी तैयारी कर रहा था कि तभी मेरी माँ चलकर मेरे पास आई और बोली, अशोक तू रात वाली बस से जा रहा है तो थोड़ा संभल कर जाना। इस पर मैंने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ मैं ठीक से जाऊँगा। दरअसल आज मैं अपने मौसी के घर मानकपुर गांव जा रहा हूँ। ऐसे तो मैं मौसी के घर कई बार गया हूँ, मगर रात वाली बस से आज पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि 5 दिनों बाद मेरी मौसी के बेटे की शादी है और मौसी ने मुझे कुछ दिनों पहले ही बुलाया है। खैर, सारी तैयारी कर लेने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ मैं चलता हूँ, आप और पापा जल्दी से आ जाना। इस पर माँ ने कहा, हाँ तू ठीक से जाना, हम लोग 2 दिन बाद आ जाएंगे। जिसके बाद मैं घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चलता बना। हमारे घर से बस स्टॉप थोड़ी ही दूरी पर था, तो मैं करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद बस स्टॉप पहुंच गया। बस स्टॉप पहुंचकर मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। तो मेरी बस आने में आधा घंटा लेट था। मैं बैठकर अपनी बस का इंतज़ार करने लगा। करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी बस आ गई और मैं बस में बैठ गया। मेरे बैठने के 5 मिनट बाद ही बस भी खुल गई और साथ ही साथ काफ़ी रफ्तार पकड़ ली, जिसके साथ ही हम दोनों अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। यहाँ से मेरी मौसी का घर मानकपुर गांव जाने में बस से करीबन 5 घंटे का समय लगता था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक मानकपुर गांव के बस स्टॉप पर उतर जाऊंगा। ठंड का मौसम होने के कारण बस में मुसाफिरों की संख्या काफ़ी कम थी और साथ ही साथ सभी लोग खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं अंदर ना आ सके। देखते ही देखते 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब बाहर सूरज की तेज किरणें चांद की हल्की रोशनी में तब्दील हो चुकी थी। इस पर मैंने अपने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 7:30 बजे का, लेकिन ठंड का मौसम होने के कारण 7:30 बजे 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था और इसका असर साफ साफ रास्ते पर भी दिख रहा था, क्योंकि रास्ते पर गाड़ियों का काफिला ना के बराबर था। खैर, बस आगे बढ़ती चली गई और इक्का दुक्का मुसाफिर अपने अपने ठिकाने पर उतरते चले गए। मेरे गांव आने से 1 स्टॉप पहले बस के सारे मुसाफिर उतर चुके थे और ठीक रात के 9 बजे मैं मानकपुर बस स्टॉप पर उतरा। बस मुझे उस बस स्टॉप पर उतार कर आगे चली गई। बस से उतरते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि दिन के वक्त इस बस स्टॉप पर जितना चहल पहल रहता है, रात को उतना ही सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक पूरे बस स्टॉप पर मुझे इंसान तो दूर परिंदा तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस स्टॉप से मेरी मौसी का घर तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था, लेकिन आसपास के माहौल को देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे यहाँ कोई सवारी मिल पाएगी। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है आज मुझे यहाँ से पैदल चलकर ही जाना होगा। इतना बोलकर मैं चलते हुए
बस स्टॉप से बाहर निकला तो बाहर का माहौल और भी ज्यादा वीरान था। ना तो किसी तरह की रोशनी और ना ही किसी तरह का शोर उस पूरे रास्ते पर सुनाई पड़ रहा था। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था कि मुझे ठीक से आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस पूरे माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। फिर भी मैंने एक बार अपनी निगाहें किसी सवारी की तलाश में इधर उधर घुमाई तो अपनी नजरों को इधर उधर घुमाते ही मैंने देखा कि सामने एक चाय की दुकान खुली है और वहां चाय वाले के साथ ही साथ एक आदमी भी बैठा हुआ है जिसके बगल में एक रिक्शा भी खड़ी है। उस नज़ारे को देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि उस चाय वाले के पास जो आदमी बैठा हुआ है वो एक रिक्शा वाला है। ये देखकर मैंने मन ही मन में काफ़ी खुश हुआ, ये सोचकर कि अब शायद मुझे पैदल नहीं चलना पड़ेगा। जिसके बाद मैं चलता हुआ उस चाय वाले की दुकान के पास पहुंचा तो मुझे अपनी ओर आता देख उस चाय वाले ने कहा, आइए बाबू साहब चाय पी लीजिए। जिसके बाद उस चाय वाले ने मुझे एक प्याला चाय पीने को दिया तो मैंने भी उसके हाथ से प्याला लेकर चाय पीने लगा। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी बगल में बैठे उस आदमी ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब आपको, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। उस रिक्शे वाले के मुंह से ये सुनते ही मैं और ज्यादा खुश हुआ और उस रिक्शे वाले को मौसी के घर का पता बताया, जिसके बाद उस रिक्शे वाले ने मुझे रिक्शा पर चढ़कर बैठने का इशारा किया तो मैं भी उसकी रिक्शा पर चढ़कर बैठ गया। मगर एक बात काफ़ी हैरान करने वाली थी कि उस चाय वाले के पास ना तो चूल्हा था और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे वो चाय गर्म कर सके, मगर फिर भी उसकी चाय काफ़ी गर्म थी। खैर मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। रिक्शा पर चढ़कर बैठते ही उस रिक्शा वाले ने रिक्शा भगाना शुरू कर दिया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी जिस कारण आसपास का माहौल और भी ज़्यादा वीरान हो चुका था। रास्ते के किनारे जंगलों से आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ जा रहा था। इस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, भाई साहब आपको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, पहले लगा था बाबू साहब, अब नहीं लगता। उस रिक्शा वाले का ये जवाब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खैर इस पर मैंने उसे दोबारा कुछ नहीं पूछा। वो रिक्शा वाला काफ़ी रफ्तार से रिक्शे को भगाए जा रहा था, मानो इस घने अंधेरे का उस रिक्शे वाले पर कोई असर ही ना हो रहा हो। कुछ आगे जाने के बाद उस रिक्शे वाले ने अचानक रास्ता बदल लिया। सीधे जाने की जगह उस रिक्शे वाले ने रिक्शा को दाई ओर जंगलों की तरफ मोड़ लिया, जिस पर मैंने उस रिक्शे वाले से कहा, अरे भाई साहब आप दाएं क्यों जा रहे हैं, आपको तो सीधा जाना है ना। मेरे बोलने पर भी उस रिक्शे वाले पर कोई असर नहीं हो रहा था और न ही उसने मेरी बात का कोई जवाब दिया। साथ ही साथ उसने अपनी रिक्शा की रफ्तार और बढ़ा दी। अब मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि तभी मैंने उस रिक्शा वाले के कंधे को पकड़कर मेरी ओर खींचा तो मेरे खींचते ही उस रिक्शे वाले का हाथ उखड़कर मेरे हाथ में आ गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी एकदम से वो रिक्शा वाला मेरी ओर मुड़ा, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसका पूरा शरीर कटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि यह रिक्शा वाला कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और अब मैं शायद नहीं बचूंगा। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी और मैं रास्ते के एक किनारे पर पड़ा हुआ था। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो चाय वाला भी भूत है। एक दिन वो रिक्शा वाला और चाय वाला रात के वक्त रिक्शे से
कहीं जा रहे थे कि तभी उन पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया और उनकी वहीं मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।